फाइनली गाइज वेट टाइम समाप्त होने वाला है बिकॉज आज मैं खुद ही गया था यूजीसी आयोग के अंदर और वहाँ पे मैंने जाकर के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिए हैं रिजल्ट के ऊपर, स्कोर कार्ड के ऊपर और फाइनल आंसर के ऊपर बहुत सारी बातें चली है और अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। तो गाइज वीडियो को शुरू करें उससे पहले यू नो वेरी वेल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने का मन है तो कर लो, अदरवाइज़ अब तो ऐसे भी देख करके चले ही जाते हैं। ओके गाइज शुरू करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन उन तमाम दोस्तों के लिए, तमाम बच्चों के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि रिजल्ट कब आएगा, फाइनल आंसर की कब आएगा, स्कोर कार्ड कब जारी होगा। तो देखो गाइस जो भी बातचीत हुआ है मैं आप लोगों के साथ एज इट इज़ तो नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ कुछ बातें शॉर्ट में बताते रहा हूँ आपको और बाकी आप लोगों को जो लगता है कि सर प्रूफ दिया करो तो देखो भाई प्रूफ के तौर पर टेलीग्राम पर डाल दिया हो, जाकर के प्रूफ देख लेना। कल के वीडियो का भी प्रूफ डाल दिया हूँ जो मैंने रिजल्ट कमेटी के ऊपर बातचीत किया था और बहुत सारे बच्चे ने कहा कि प्रूफ तो होता नहीं है बस डाल देते हो। एक्चुअली में भाई मैं एडिट नहीं करता चीज़ों को, ठीक है, और यही वजह है कि मैं डाल नहीं पाता हूँ। वहाँ पे मैंने सेंड कर दिया, जाके देख लो प्रूफ है वो। अब ये कहो कि सर इसका प्रूफ दो तो भैया मुझे माफ़ करना क्योंकि वो कैमरा ले जा करके अंदर का शूटिंग कोई नहीं करने देता है, ठीक है। चलो गाइस बातचीत करते हैं। देखो दोस्तों जो भी बातचीत हुआ है शॉर्ट में रखते हैं। पहली बात तो ये है कि जो प्रक्रिया चल रही थी प्रोविजनल आंसर की वाला, वो प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन चैलेंज हुए थे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह आ चुके हैं। अब उसका फाइनल जो आंसर की है वो अपलोडिंग प्रोसेस पे जा रहा है। अब ये अपलोडिंग प्रोसेस आज मिडनाइट के बाद ये शुरू हो जाएगा या अब शुरू हो गया होगा, ठीक है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि जब आज शुरू हो जाएगा तो फिर कल तो दिखना चाहिए, मे बी कल मॉर्निंग में आपको देखने को मिल सकता है आपको फाइनल आंसर की, ठीक है। एंड उसके साथ साथ में भी हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए स्कोर कार्ड भी, अगर इफ़ डिले होता है क्योंकि सर्वर है वहाँ पे अपडेट करने में टाइम लगते हैं। और इस बार तो रिजल्ट में एक बहुत बड़ा उछाल भी देखने को मिलने वाला है और ये उछाल वैसा होने वाला है जो किसी ने भी आज तक प्रेडिक्ट नहीं करा होगा और इवन मैं भी कुछ जगहों पर गलत हो सकता हूँ बिकॉज मैंने भी जो प्रिडिक्ट करा था वो मेरे प्रिडिक्शन से भी बहुत आगे की बात चल रही है बिकॉज रिजल्ट में एक इतना बड़ा उछाल आने वाला है जिसके बारे में कोई नहीं सोचा होगा आज तक। आपका चाहे नंबर जो भी आ रहा हो होपलेस मत होना, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला है, आज आपको लाइव में बता रहा हूँ। आपके चाहे जितने ही मार्क्स आ रहे होपलेस मत होना, मे भी हो सकता है कि आप रिजल्ट लिस्ट में हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले में होंगे। तीन कैटेगरी है, थर्ड वाले के लिए जो रिजल्ट कमेटी बैठी है उनका आज सबमिशन डेट है, आज या कल में वो सबमिट करेंगे। तो ये वजह है कि मैंने बोला कि फाइनल आंसर की का अभी अपलोडिंग शुरू होगा क्योंकि स्कोर कार्ड के ऊपर अभी वर्क कर रहा है आयोग एंड साथ में ही जो रिजल्ट कमेटी है वो भी वर्क कर रही है पीएचडी के लिए खास करके क्योंकि उसी के लिए कमेटी बनी हुई है और वो हो सकता है कि आज वो फाइनलाइज करके दे दें या कल तक वो दे देंगे। तो जैसे ही उधर से आएगा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये है आपके माइंड में कि कब तक, सवाल ये आ रहा होगा ना कि कब तक आएगा। तो जो मैंने आपको बोला है 25 इस डेट को अपने माइंड में रखो, फिट रखो, ठीक है। और मैं बस यही कहूँगा कि सबसे पहले सबसे फास्ट कोई भी अपडेट कोई भी इन्फॉर्मेशन अनस्टॉपेबल पे आएगा, इस बात की गारंटी है। रिजल्ट भी आएगा तो सबसे पहले मैं ही दिखाऊँगा आपको क्योंकि मेरे बाद ही कोई दिखाएगा, इस बात की मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ। तो यू नो वेरी वेल जो मन करे आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वीडियो जो भी लोग देखते हैं, और पहली बात तो है कि चैनल के वो मेंबर भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं है, और वो अनसेंट कमेंट बॉक्स में लिखते हो, ठीक है भाई तुम्हारी अपनी मर्जी है लिखो, लेकिन मेरा सवाल बस इतना है कि आप जैसे लोग कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे जब आपके अंदर इतनी सारी बातें भरी पड़ी है और आपके अंदर बोलने का सलीका नहीं है और चीज़ें बहुत गड़बड़ कर रहे हो। अगर मैं सारे कमेंट्स पब्लिश कर दूँ तो मे बी आपको पढ़ के या जो भी लोग देखेंगे गए हाँ बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन ज़रा खुद से सवाल करो क्या आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो पब्लिकली। अगर कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। अब वैसे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, वैसे लोग रिसर्चर बनेंगे तो फिर किस तरीके का देश का नेशन का आप निर्माण करोगे। यू नो वेरी वेल डेट्स वाई गाइज बस मैं यही कहूँगा कि बुरा भला कहने से पहले देख लिया करो। और एक बात और मैं बता दूँ, हर एक वीडियो का मेरे पास सोर्सेज होते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, तभी जाकर के मैं बनाता हूँ। अब जैसे कि आप कहते थे कि भाई 2022 जो आपने बोला था, अरे यार अभी आयोग उसके ऊपर कमेटी पे वर्क कर रही है, तीन चीज़ें चल रही है,
एंसर की का तो देखा था ना, एंसर की वाला सभी लोग गलत हो गए वहाँ पे, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद भी गलत हो गया। समझ में आ रहा है? वो तो बहुत पहले आ गया। रिजल्ट को लेकर के बस एक बात ध्यान में रखो कि जो टाइमिंग है, जो भी बातें मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, बट हिंट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम 15 दिन का समय लगने वाला है, ठीक है? तो जिस दिन आपका 14 से लेकर के 15 के बीच का जो आप टाइम लाइन देखोगे तो ये 30 के आसपास का जा रहा है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखना कि अगर आज प्रोसेस शुरू हो जाएगा या हो गया होगा तो फिर कल से आपको दिखेगा, नहीं तो कल होगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? अगर डिले होता है, यानी कि जो कमेटी है अगर वो रिजल्ट स्कोर कार्ड देने में और वहाँ पे वो जो रिजल्ट कमेटी है वो स्कोर बनाने में और पीएचडी सिलेक्शन में अगर डिले करती है तो फिर इसके लिए आपको 30 तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है? और एक बात मैं और बता दूँ भैया, ये बातचीत करके आया हूँ वहाँ से, काफ़ी थका हुआ मैं दिख रहा हूँगा, 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास गया था, फिर वहाँ पे जाके 2 घंटा बैठा, फिर उसके बाद आया, देन ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है? मुझे पता है इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे बच्चे के माइंड में एक डाउट आएगा, क्या ही आ जाते हो यार व्यूज़ बढ़ाने के लिए। भाई योर लाइफ योर चॉइस, मन करता है तो वीडियो देखो, नहीं मन करता है तो मत देखो। मैं किसी के घर पे जा करके नोक नोक आ जाओ देख लो ऐसा मैं नहीं कहता किसी को, योर लाइफ योर चॉइस, माने तो देखो नहीं माने तो मत देखो यार, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि सर आपको तो मैंने कहीं पढ़ाते हुए नहीं देखा, जाओ जरा देखो कितने वीडियोस पढ़े हैं यूजीसी नेट के, और भाई साहब इतने क्वेश्चन आए हैं जो मैं एक बार दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मैंने पढ़ाया है ना वहाँ से इतने क्वेश्चन आए हैं और आज तक जितने चैनल वालों ने पढ़ाया है उसके बराबर है, जाके देख लेना भैया, ये सच्चाई है। कंक्लूड कर रहा हूँ, अपलोडिंग शुरू होने वाली है बहुत जल्द और कभी भी आपको डिस्प्ले पे शो हो सकता है, ठीक है? और थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, अगर कमेटी डिले करती है तो 30 तक, अगर वो डिले नहीं करती है आज या कल तक फाइनलाइज कर लेती है तो कल मिडनाइट तक, ठीक है? इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी लगे तो यू नो वेरी वेल क्या करना है। वैसे मुझे भी देखना है कि आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, इस वीडियो का लाइक ही टारगेट रखते हैं 500 के आसपास, ठीक है? देखते हैं कितना आप लोग सपोर्ट करते हो, ठीक है? और थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।